तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे DOE के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर 2022-23 के बारे में, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में। तो अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन अपलोड हैं, कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके आप देख सकते हो। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट है, सेक्शन बी के भी सारे क्वेश्चन अपलोड हैं, कॉमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके आप देख सकते हो। ये सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 तक है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 3 यानी सेक्शन ए का, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3। तो सेक्शन ए सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन अपलोड हैं, कॉमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके आप देख लो। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसका सॉल्यूशन देख लो। कह रहा है कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, मतलब पानी का एक तालाब है इस प्रकार, अंदर की ओर सीढ़ियां हैं इस प्रकार, ठीक है। कह रहा है एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है, जो पानी है जो 9 नंबर की सीढ़ी है वहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि वे एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का ये मतलब है, इसमें कुछ एरर है यानी गलती है, इनको लिखना चाहिए कि एक ही छलांग में जो बंदर है वो 3 सीढ़ी नीचे आ रहा है और फिर से 2 सीढ़ी ऊपर की ओर, मतलब बैक हो जा रहा है, 2 सीढ़ी ऊपर की ओर चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब होना चाहिए कि एक ही छलांग में 3 सीढ़ी बंदर नीचे की तरफ जा रहा है और 2 सीढ़ी फिर से ऊपर की तरफ हो जा रहा है, ये क्वेश्चन का मतलब है, लेकिन इसमें कुछ एरर है, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आप समझना, क्योंकि जिस हिसाब से लिखा गया है क्वेश्चन कि एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे जा रहा है फिर अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर, इस हिसाब से कोई सा भी ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेना कि एक ही छलांग लगा रहा है तो पहली छलांग में वो 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, 2 सीढ़ी ऊपर फिर से वापस हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो चित्र के माध्यम से, पहले समझो एक बार। तो मतलब जो इसका चित्र है, फिगर इस प्रकार है, जो बंदर है सबसे ऊपर बैठा है, यहाँ पर बंदर बैठा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसके बाद में अगर हम बात करें पानी, तो ये जो 9 नंबर की सीढ़ी है ना, पानी यहाँ पर है, जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक छलांग लगाएगा, 3 सीढ़ी नीचे की ओर आ रहा है, जब छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी नीचे की ओर, तो मतलब यहाँ से अगर वो छलांग लगा रहा है तो 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ आ गया, और फिर से वो 2 सीढ़ी ऊपर हो जा रहा है, मतलब 1, 2 कहाँ पर पहुँच गया, वो 2 पर आ गया, चौथी सीढ़ी पर पहुँचा, एक से छलांग लगाया तो फिर से 2 ऊपर आ गया, मतलब कि पहली छलांग में वो कहाँ पर पहुँच रहा है, 2 पर, समझना ध्यान से, कहाँ पहुँच गया, 2 पर। अब यहाँ से फिर से छलांग लगाएगा दूसरी, तो फिर से 3 सीढ़ी नीचे आएगा, मतलब 1, 2, 3 और उसके बाद में 2 सीढ़ी फिर से वापस हो जाएगा, पीछे जंप कर जाएगा, 1, 2 मतलब कहाँ पहुँच गया, 3 पर। तो ये जो प्रोसेस है एक एक का चल रहा है, कहने का मतलब आप कह सकते हो कि यदि एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे आ रहा है, 2 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पहली छलांग में किससे पहुंच गया, 2 पर, तो दूसरी छलांग में 3 पर, और तीसरी छलांग में 4 पर, चौथी छलांग में 5 पर, इसी प्रकार पाँचवीं में 6 पर, छठी में 7 पर, सातवीं में 8 पर, आठवीं में 9 पर पहुँचेगा, यानी पानी कहाँ पर है, 9वीं सीढ़ी पर है, तो 9वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा 8वीं छलांग में। अब क्वेश्चन एक बार देखो पहले आप, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुँचेगा, ठीक है। तो मतलब पानी कहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है साफ साफ 9वीं सीढ़ी पर, तो 9वीं सीढ़ी पर कितनी छलांग में पहुँचेगा, फिर से फोकस करो इस टॉपिक पर, यहाँ पर लिखा 8वीं छलांग में 9वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा, मतलब कि 9वीं सीढ़ी साफ साफ नहीं लिखा, लेकिन पानी के स्तर तक, तो वो कहाँ पर है, 9वीं सीढ़ी पर है, तो 8वीं छलांग में। तो आंसर देखो क्या लगाओगे आप, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी, 8वीं छलांग में, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कितनी छलांग में वे 7वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा, 7वीं सीढ़ी पर, तो पहले फिर से समझो, तो यहाँ पर मेंशन किया गया छठी छलांग में वो कहाँ पहुँच जाएगा, 7वीं सीढ़ी पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे आप, तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं ऑप्शन ही नहीं है 6 का, तो कोई सा भी ऑप्शन आप बना लेना 6, ठीक है ना। आपका राइट आंसर होगा छठी छलांग में वे 7वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन आपका राइट होगा 6, आप कहीं भी आप
करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। आपका राइट आंसर 6 है और जो कि इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंदर की छलांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाई जा सकती है। तो देखो ध्यान से, जो छलांग लगा रहा है वो 3 नीचे जा रहा है, तो नीचे के लिए मतलब -3, और फिर 2 ऊपर आ रहा है तो +2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन से ही मैच हो गया कि वहाँ पर गलत लिखा गया है। 3 नीचे जा रहा है पहली छलांग में ही, 2 ऊपर आ रहा है, तो -3 नीचे हुआ और +2 ऊपर की साइड हुआ, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है आपका? सी। अगला क्वेश्चन देखो, 4 कह रहा है पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है, इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है। मतलब यहाँ पर भी सेम समझना कि जब एक मतलब छलांग ले रहा है, जंप लगा रहा है, तो 4 सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और 2 सीढ़ी नीचे की ओर खिसक जा रहा है एक ही छलांग में। ये भी चीज़ ध्यान में रखना। तो पहले इसका डायग्राम समझो। तो डायग्राम इस प्रकार है, समझो इसको ध्यान से। अब जो बंदर था 9वीं सीढ़ी पर आ गया है, ठीक है ना, पानी यहाँ पर है, पानी वो पी लिया है। अब वो जाना चाहता है सबसे ऊपर जहाँ था पहली सीढ़ी पर। तो प्रोसेस क्या है, वो कह रहा है कि जो 9वीं सीढ़ी से छलांग लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है, 4 सीढ़ी ऊपर जा रहा है एक छलांग में और 2 नीचे हो जा रहा है, तो 4 सीढ़ी ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर है 9वीं सीढ़ी पर, तो 4 ऊपर जा रहा है ना। तो मतलब बच्चों ये इस सीढ़ी पर है, यहाँ छलांग लगाया ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 1 2 1 मिनट 1 2 3 4, 4 सीढ़ी ऊपर पहुँच गया, फिर से 2 नीचे हो गया, तो पहला काम हुआ, दूसरा काम हुआ, यहाँ पर आके रुका, कहाँ पर रुक रहा है, ये 7वीं सीढ़ी पर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से पहली छलांग लगाएगा वो, तो ध्यान से देखो, पहली छलांग में 7 पर पहुँचेगा, दूसरी छलांग में 5वें पर, तीसरी छलांग में 3रे पर, चौथी छलांग में पहले पर। तो कितनी छलांग में वो पहले पर पहुंचेगा? 4थी छलांग में, और उसको यहाँ पर पहुंचना है क्योंकि पानी उसने 9 यानी जो 9वीं सीढ़ी है यहाँ पर पिया, ठीक है ना। 4-2 के हिसाब से 2-2 ही वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि 4 आगे जंप कर रहा है, 2 पीछे हो जा रहा है, तो 2-2 के हिसाब से वो बढ़ेगा। तो इसका देखो आंसर, 4थी छलांग में वो पहले नंबर पर पहुंच रहा है। ये मैं समझने के लिए लिखा हूँ, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो, 9 सीढ़ी से 4 छलांग लगाया 4थी पर, 2 कम हो गया 2 पर, ठीक है। तो आगे क्या है आपको समझना, ये है कि 2-2 का हिसाब हो रहा है यहाँ पर, 4 बढ़ रहा है, 2 कम हो रहा है, तो 2 का हिसाब, 9 से 2 कम होगा 7, 7 से 2 कम होगा 5, 5 से 2 कम होगा 3, और 3 से 2 कम होगा तो 1। तो मतलब चौथी बारी हो रहा है, चौथी बार वो नंबर 1 पर पहुँच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 6 है, 7 है, 3 है, 5 है, तो यहाँ पर 4 किसी भी ऑप्शन को आप बना लेना, ठीक है। चौथी जंप में वो पहुंचेगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका 4 होगा, किसी एक ऑप्शन को करेक्शन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 5वां, पहली छलांग में वे किस सीढ़ी पर पहुंचेगा, पहली छलांग में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर अभी सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, पहली छलांग पर वो दूसरी सीढ़ी पर पहुँचेगा, ठीक है, स्टार्टिंग से। और अगर हम नीचे से बात करें, क्वेश्चन में नीचे की तरफ से लिखे होते तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नीचे हिसाब से यहाँ पर पहली छलांग में 7वीं पर पहुँच रहा है, ठीक है। तो पहली छलांग स्टार्टिंग से लेंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरी छलांग में, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। सेक्शन सी बाद में आपका अपलोड होगा, ओके।